जय संशक्ति। प्रश्न तो खुद ने बता दिया अभी कि राजनीति में कोई स्पष्ट निर्देश होना चाहिए। एक्चुअली प्रताप फाउंडेशन करता क्या है, बना कब? प्रताप फाउंडेशन जिस समय लक्ष्मण सिंह साहब टाइम जो आरएसएस के बड़े काफी पहुंचे हुए सुनचे हुए थे, उनका स्वर्गवास हुआ तो वहाँ बैठक में जो सम्मिलित थे हम लोग भी पहुँचे, भैरव सिंह साहब उस समय चीफ मिनिस्टर थे वो भी थे, दीपेंद्र सिंह जी भी थे। तो दीपेंद्र सिंह जी ने उस समय भगवान सिंह साहब से कहा कि कल राजपूत सभा में मेरी एक मीटिंग है जिसमें कांग्रेसी राजपूत आएंगे, आप आ सकते हो क्या? भगवान सिंह साहब ने कहा क्यों नहीं आ सकते, राजपूत जहाँ आएंगे हम तो हर जगह आएंगे। तो दूसरे दिन जब वहाँ गए तो वहाँ जाने फिर उनको जोश आया, जोश ऐसा आया कि उसके बाद तुरंत आए और आके भगवान सिंह साहब को कहा कि अपने को कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से विचार गोष्ठी करनी चाहिए ताकि इससे हम जो राजनीति में हैं उनको आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका लाभ मिल सके, तो इसके लिए बैठ के बात करें। और भवानी निकेतन में मीटिंग बुलाई, जो प्रमुख प्रमुख कुछ लोग उस समय थे या जो भवानी निकेतन के थे कुछ उनके साथ थे, उन लोगों को भी बुलाया और वहाँ तय किया गया कि हमको राजनीतिक जागृति समाज में पैदा करनी है, क्योंकि हमारे महिलाएं वोट डालती नहीं है, जो डालने वाले हैं वो भी कोई आधा उधर देता है आधा उधर देता है, ये क्या तरीका है, इसीलिए हमारे हम पीछे रहते जाते हैं। तब प्रताप फाउंडेशन नाम से वो एक संगठन कायम किया गया और उसके 18 जिलों में दो दो दिन के शिविर लगाए। वो दो दिन में राजनीतिक कार्यकर्ता उस जिले के, सामाजिक कार्यकर्ता उस जिले के, वो सब साथ रहेंगे, साथ में भोजन करेंगे, दो दिन वहीं रहेंगे उसी जगह, सोने की ऐसी व्यवस्था नहीं होती थी तो नीचे दरी पे ही सोएंगे, ये सब होता रहा। और उससे फर्क ये पड़ा, उनको समझाने की कोशिश ये की गई कि हमारे वोट एक तरफा पड़ने चाहिए, दूसरा महिलाएं कोई पीछे नहीं रहे और किसी का अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो हम इंतजार नहीं करें, तुरंत लिखवाएं। ये सब बातें करके और 18 जिलों में जो मीटिंग हुई उसका प्रभाव भी पड़ा। उस समय जिस समय ये कार्य शुरू किया गया था उस समय राजपूत विधायक मात्र 17 थे, लेकिन जब ये मीटिंग के बाद जो चुनाव हुआ उसमें वो हो गए 25, बड़े संख्या बढ़ी और लोगों में थोड़ा जोश आया। और कई इस तरह के उदाहरण आए उस समय, क्योंकि सब मिलते थे तब बताते थे क्या क्या होता है, हम किस तरह की लापरवाही करते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं बताऊं कि एक गांव है जो चूरू लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है, वहां मोहर सिंह जी लाखाऊ जो एमपी थे उनकी डेथ हो गई, उनके लड़के जय सिंह को टिकट मिली, तो उस गांव के जो हमारे विरोधी लोग हैं उन्होंने सोचा ये तो गड़बड़ हो गई, अगर ये जीत जाएगा तो अपने कम से कम अपने गांव में तो इसको वोट नहीं डालने दे। तो वो ठाकुर साहब के पास गए कि ठाकुर साहब देखो आज़ादी ने इतना दिन उग्यार आपा से वोट देता फिरा ना का सकी गर्जा करार, कोई नेता आप नहीं सुने को नहीं, आपने वोट ही मत दो, वोट नहीं दिया। उसमें जो हमारे विरोधी थे उनकी संख्या थी कुल 80 और जो पक्ष के वोट थे उनकी संख्या थी करीब 600 और रिजल्ट आया जय सिंह 62 वोट से लोकसभा में हार गया। किसकी हार थी? वो हमारी हार थी, हमने अपनी बेवकूफी में उसको हराया अपने कैंडिडेट को। तो ये जो इस तरह की बातें, कई इस तरह के उदाहरण आए और उससे थोड़ा बहुत लोगों ने सीखना शुरू किया। अभी भी हम पूरी तरह से सीखे नहीं है, अभी भी क्या हाल है, हम ये मानते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। हमने तो जिस समय आजादी हुई थी वोट पड़ने शुरू हुए थे तब, क्योंकि कांग्रेस ने हमारे राजाओं को खत्म किया, कांग्रेस ने हमारी जागीरें ले ली, कांग्रेस हमारे खिलाफ थी तो अब तो कांग्रेस के खिलाफ है, रघुकुल रीत आ गई, अब चल रही है अभी तक, प्राण जाए जा रहे हैं प्राण, लोग जूते मारते हैं, लोग परवाह नहीं करते। जिस पार्टी को हम वोट देते हैं वो परवाह करते हैं क्या आपकी? वो आपको टिकट नहीं देते। हरियाणा, दिल्ली, गुजरात पिछले 10 साल में लोकसभा का एक भी राजपूत को टिकट नहीं मिला,
और वोट उसी को देते हैं। क्यों? हम तो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, हम मतदाता हैं। पॉलिटिकल पार्टी वाले अपनी पार्टी का प्रचार करते हैं, उसके लिए वोटों के लिए प्रयास करते हैं, हम तो मतदाता हैं। मतदाता तो वो सोचता है कि इनमें जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं उनमें हमारे पक्ष का कौन है, हमारे फेवर में कौन है। कोई जरूरी नहीं कि राजपूत ही हो, राजपूत के अलावा भी है, तो जो दो या तीन या चार कैंडिडेट खड़े हैं उनमें कौन ऐसा है जो हमारे साथ उठता है, बैठता है, हमारे साथ अच्छा व्यवहार रखता है। ये जब तक हम नई तैयारी होकर रखेंगे तब तक हमारे साथ ऐसा ही बीतेगा। और इसलिए जिस पार्टी को हमने रघुकुल रीत का नाम लेकर के और लगातार वोट दिया, वो अगर हमारी उपेक्षा करती है तो उसको आंख दिखाना जरूरी है। उसको आंख नहीं दिखाएंगे तो कोई नहीं पूछेगा हमको। और जो आंख दिखाने वाले हैं उनको देखो कितने सीटें मिली है। अभी देखिए आपने लोकसभा में कितनी सीटें मिली है, क्योंकि वो आंख दिखाना जानते हैं। आज तक जिन्होंने गालियां दी, आज तक जिन्होंने विरोध किया, उनको तो इतनी मिल रही है। और जो बेचारे बैठे हैं, तो हम तो बेचारे हो गए, हम तो गुलाम हो गए जैसे पार्टी के, इसलिए हमारी कोई पूछ नहीं हो रही। अभी बाड़मेर से जो कैलाश चौधरी है बीजेपी के उम्मीदवार, उनका अखबार में स्टेटमेंट छपा था कि विधानसभा जब चल रही थी, विधानसभा का चुनाव चल रहा था, तो जो हमारी पार्टी का कैंडिडेट था वो कहीं जीत न जाए, उसकी बजाय प्रियंका जीते वहां से, इसलिए मैंने प्रधानमंत्री की मीटिंग वहां की बजाय बायतू में शिफ्ट कर दी। जो खुल्लम खुल्ला विरोध कर रहा है पार्टी का, उसको वापस खड़ा कर रहे हैं, क्या तरीका है ये? पर हम कौन सा विरोध कर रहे हैं, फिर हमारी उपेक्षा क्यों हो रही है? तो हमको हमारी ताकत बताने के लिए आंख भी दिखानी चाहिए। आंख नहीं दिखाएंगे तो कोई हमारी परवाह नहीं करेगा। अभी गुजरात में पुरुषोत्तम रूपाला नाम से केंद्रीय मंत्री है और राजकोट से वो दोबारा बीजेपी के सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। उनका अभी 6-7 दिन पहले एक स्टेटमेंट आया, शेड्यूल्ड कास्ट की मीटिंग बुलाई और उसमें उन्होंने कहा कि ये जो दिखते हैं ना आपको बड़े बड़े आदमी, ये राजा और महाराजा ठाकर, ये सब तो झुक गए थे, ये तो अपनी बहन बेटियां मुगलों को देनी शुरू कर दी थी, इन्होंने तो अपनी तलवारें नीचे रख दी थी, इस हिंदुस्तान को बचाया तो आप लोगों ने बचाया उन्होंने, किया उन्होंने कुछ, लेकिन वो ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं। और तब अब गुजरात में एक क्रांति जैसे आती है, इतना जबरदस्त विरोध हो रहा है कि पूछो मत। अब तो सभी संस्थाएं जब देखा कि विरोध हो रहा है, तो वो राजकोट से वो चुनाव लड़ रहा है, राजकोट की राजपूत संस्था जब विरोध वो मीटिंग कर रही थी तो वहां पहुंच गया, जाके माफी मांग ली, लेकिन फिर भी इतना जबरदस्त विरोध चारों तरफ फैल रहा है पूरे गुजरात में। वो कहते हैं अगर इसको टिकट दोगे तो हम पार्टी को वोट नहीं देंगे, और वो हमारा भी सपोर्ट चाहते हैं, क्या हमको सपोर्ट नहीं करना चाहिए ऐसे आदमी के विरुद्ध? क्या हमको आवाज नहीं उठानी चाहिए? क्योंकि हम उस पार्टी के हैं, इसलिए हम किस पार्टी के, हम तो मतदाता है। पॉलिटिकल पार्टी में अगर हमारा ही आदमी कहीं कोई आगे जा रहा है, उसकी मदद करो और उसके विरुद्ध भी मत बोलो, और उसका पॉलिटिकल पार्टी से हम नाराज हैं तो भी अगर वो खड़ा है तो उसकी पूरी मदद करो, लेकिन जो हमारे दुश्मन खड़े हैं उनकी मदद करें। शुभकर्ण चौधरी खड़ा हुआ है झुंझुनू से, क्या बोला है राजपूतों के लिए, आपने सुना है स्टेटमेंट? देखा नहीं इसमें सोशल मीडिया में आ रहा है, क्या हम उसको वोट दें? सोचे नहीं हम इस बात पर। ये राजनीतिक दृष्टिकोण से क्षत्रिय संघ ये चाहता है कि हम मतदाता हैं, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं। राजपूत समाज संपूर्ण मिलकर ये तय करे कि हम मतदाता के रूप में जो हमारे हित का काम होगा वो करेंगे, जो हमारे हित का कैंडिडेट होगा उसको जिताएंगे, जो हमारा विरोधी होगा, जो हमारा आए दिन हमारे बाधाएं डालता है उसको हम जीतने नहीं देंगे। यही क्षत्रिय संघ चाहता है। क्षत्रिय संघ वही चाहेगा जो समाज के हित में होगा, और समाज के हित में ये है तो हम यही चाहेंगे। हम सरलीकरण चाहते थे EWS के, उसमें यहाँ तो राजस्थान सरकार जो थी उसको कहा, चारों तरफ से ज्ञापन दिए, तो उनके समझ में आई कि ये नाराज हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। उन्होंने राजस्थान सरकार की जितने एम्प्लॉयमेंट होते हैं उसके लिए अप्लाई करने के लिए वो सरलीकरण कर दिया। केंद्र सरकार नहीं कर रही है, 500 लोगों से, प्रतिनिधियों से, MP, MLA और प्रधान, ये जिला प्रमुख, उप प्रधान, उप जिला प्रमुख, इन सबसे 500 लोगों से इस तरह का ज्ञापन लिखवा के हमने प्रधानमंत्री के पास भिजवा दिया, कोई परवाह नहीं। 25 हमारे मंत्री भाजपा के थे,
एक गजेंद्र सिंह शेखावत के अलावा किसी ने भी वहां तक बात नहीं पहुंचाई, कोई जाके बात तक करने को तैयार नहीं है। क्या हमारी है ये पार्टी? क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इस ईडब्ल्यूएस में आते हैं राजपूत, ब्राह्मण, बनिए, ये ऐसी जातियां, उनके पास कोई भूमि है नहीं। तो इसमें अगर वो सरलीकरण होता है तो राजपूत कैंडिडेट बढ़ जाएंगे, और नहीं होता है तो उनका तो फायदा ही है, वो तो अपने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट ले लेंगे, क्योंकि उनके लिए तो वो 8 लाख की बात है, बाकी जमीन है ही नहीं, क्या दिक्कत है उनको, इसलिए नहीं कर रहे। और आज राजस्थान सरकार को भी आप देख रहे हैं क्या छाया हुआ है, चारों तरफ कौन कौन बैठे हैं देख लीजिए, उनको क्या करेंगे, आपका उन्हाल करेंगे। इन लोगों के लिए हमको क्या करना है, शत्रुघ्न सिंह ये चाहता है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बसपा हो, कोई भी हो, जहां हमारा कैंडिडेट उसको जिताएंगे, जहां हमारा विरोधी कैंडिडेट उसको हराएंगे, इस प्रकार का हम सब संकल्प लेकर एकजुट होकर एकतरफा वोट डालना शुरू करेंगे तब पार पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कोई हमारी सुनेगा नहीं। तो क्या हमको ऐसा नहीं करना चाहिए? यही तो समाज चाहता है, समाज का हित इसी में है, इसलिए समाज में जो विचारक है वो भी यही चाहेंगे, और जो पार्टी के लोग हैं वो तो जरूर नहीं चाहेंगे, लेकिन उनको छोड़ो, पार्टी के हैं हमारे समाज के, वो नहीं चाहेंगे ऐसा, लेकिन उनको अपना काम करने दो, हमको बाकी सब तो हमको हमारा काम करना है। हम कोई पार्टी के मेंबर नहीं है, हम राजपूत समाज के मेंबर है, हमारी पार्टी राजपूत समाज है, ये विचार रखकर हम आगे बढ़े, यही शत्रुघ्न सिंह चाहता है, और शत्रुघ्न सिंह की इच्छा को हम सब मिलके पूरी कर सकते हैं, और हम सब मिलके पूरी करेंगे तो परिवर्तन भी आएगा, निश्चित रूप से आएगा। अभी इस लोकसभा चुनाव में भी हमारे पास कई जगह के ऐसे उदाहरण हैं जहां हम कुछ दिखा सकते हैं, कर सकते हैं, वरना हमारे खिलाफ तो ये सब बोलते ही रहते हैं, इनका क्या किया क्या जाए, कोई बात नहीं। अब देखा कि बाड़मेर में कुछ विरोध चालू हो गया तो हेमाराम जो पहले दिन गाली निकालता है वो दूसरे दिन आके माफी मांगता है, मेरे से गलती हो गई, मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगा, तुम गाली निकाल दो, वो तो दुनिया तक पहुंच गई, कौन सुनता है उस तुम्हारी माफी को। इसलिए जो हमारे विरोध में खड़े होते हैं, जो हमारे खिलाफ बोलते हैं, जो हमारे इतिहास का विकृतिकरण हो रहा है, और कौन कर रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में बसे हुए लोग, जिनको जिताया हमने, वहां के लोग विशुद्ध रूप से मिलकर के हमारे इतिहास को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे महापुरुषों को अपना वंशज बता रहे, अपना वो पुरुष बता रहे हैं, अपनी जाति का बता रहे हैं, और हम बैठे देखते रहेंगे क्या, उस विकृतिकरण को हम सुनते रहेंगे क्या, हम उसके विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे क्या? अब करेंगे तो रिएक्शन भी होगा, कोई उठाता है मां और उसके विरुद्ध हम खड़े होंगे तो उसकी जाति के लोग भी इकट्ठे होना शुरू करेंगे, जैसा अभी गुजरात में हो रहा है। तो जैसे ही राजपूत सब इकट्ठे होकर तय कर लिया कि जब तक इसको इसकी टिकट काट के दूसरे को नहीं दिया जाएगा, हम इसको वोट नहीं देंगे, इसकी पार्टी को कहीं पर वोट नहीं देंगे, तो अब शेड्यूल कास्ट भी इकट्ठा हो गया, क्या हम देंगे तुम नहीं दोगे तो क्या होगा, ये रिएक्शन होगा। लेकिन रिएक्शन में कब घबराए हैं, कब हमारे संघर्ष नहीं हुआ, आज तक संघर्ष करते रहेंगे, इस तरह के संघर्ष भी आएंगे। समाज को बहुत कुछ सोच के चलना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, समाज लापरवाही नहीं कर सकता, समाज किसी बात को पकड़ के बैठ गया है उसी बात को पकड़े बैठे नहीं रहना पड़ेगा, हर वक्त जो भी कोई एक्शन होता है उसमें सोचना पड़ेगा, इसमें मेरी क्या भूमिका होनी चाहिए, समाज क्या चाहता है, समाज के हित में क्या है, और उस हिसाब से हम काम करेंगे, वही उचित होगा।